एक दिन की बात है, आरोही सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी, तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। आरोही ने उसे रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वह इसी पार्क में कहीं खो गई है। आरोही ने उस बच्ची को गुड़िया ढूंढ कर लाने का आश्वासन दिया, जिससे वह बच्ची चुप हो गई। आरोही ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगा, फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वह वहाँ से चली गई। गुड़िया ना तो आरोही को मिली और ना ही उस बच्ची को। आरोही ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक खत उस बच्ची को लिखा और जब वह बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा से आई तो आरोही ने वह खत उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। यह खत इस प्रकार था, कृपया रोना मत, मैं समय समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूँगी, बस तुम रोना मत। अब आरोही रोज़ उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज ही उस बच्ची को पढ़कर सुनाती जो कि एक काल्पनिक वर्णन हुआ करता था। आरोही के इस काल्पनिक वर्णन ने उस बच्ची को रोने नहीं दिया, वह खुशी खुशी अपनी गुड़िया की घुमकड़ी के किस्से सुनाने लगी। अब वह खुश रहने लगी। एक दिन जब काफ़ी कहानियां हो गई तो आरोही ने दूसरी गुड़िया उस बच्ची को लाकर दी। जाहिर है कि गुड़िया बदली हुई थी, उस बच्ची को अपनी खोई हुई गुड़िया ऐसी नहीं लगी तो वह आरोही की और देखने लगी। आरोही अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपकी हुई एक चिट को निकाल कर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, यह मैं ही हूँ तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ा बदल गई हूँ। बच्ची को इस गुड़िया और आरोही पर विश्वास हो गया, वह गुड़िया लेकर चली गई। वर्षों बाद जब वह बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो उसका ध्यान उसी गुड़िया पर गया जो आरोही ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद करके वह हंसने लगी, उसे सब समझ आ चुका था कि आरोही ने कैसे उसका मन रखा। उसे उस गुड़िया पर फिर से प्यार आने लगा, वह उसे बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी नज़र गुड़िया की फ्रॉक में छुपे एक छोटे से खत पे गई। उसने बड़ी व्याकुलता से वह खत निकाला और पढ़ने लगी। खत में यह लिखा हुआ था, वह हर चीज़ जिसे तुम बहुत प्यार करती हो कभी ना कभी तुमसे खो जाएगी और जो तुम्हारे भाग्य में होगी वह तुम्हारे लिए बनी रहेगी। रूप में भले ही अलग होगी पर प्यार एकदम सच्चा होगा।